मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी की तारीफ की। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टीका लगवाकर पीएम मोदी ने विश्वास पैदा किया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बयान पर कहा कि जो नेता परिवारवाद से अलग है वो पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता की मां पर हुए हमले को लेकर कहा कि ममता बनर्जी की अकुलाहट का परिणाम है और इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। टीका लगाकर भ्रम को तोड़ा और लोगों के अंदर विश्वास पैदा किया। टीका लगाकर उन लोगों के मुंह पर ताला लगाया जो वैक्सीन की आलोचना करते थे और कहते थे कि पीएम पहले क्यों नहीं लगवा रहे। उन विद्वानों को यह मालूम ही नहीं था कि मोदी जी के लिए देश पहले है और देश के वो कोरोना वॉरियर्स, वो फ्रंट लाइन वर्कर जिन्होंने इस कोरोना वैश्विक बीमारी से फ्रंट पे आके युद्ध लड़ा, उनके लिए पहली प्राथमिकता वो थी। कांग्रेस के लिए या इस तरह के लोगों के लिए पहली प्राथमिकता उनका परिवार हो सकता है, उनके नेताओं का, लेकिन मोदी जी के लिए देश की जनता है। मोदी जी ने टीका लगवाकर वास्तव में लोगों के विश्वास को बढ़ाया है। अब हम नहीं कहते, जमाना कहता है। सभी नेता जो परिवारवाद की स्थिति से दूर होंगे वो स्वाभाविक रूप से तारीफ करेंगे क्योंकि वो देखते हैं, बाकी तो उनके यहाँ तो वो ही हैं। जिस तरह का आचरण और बौखलाहट, अकुलाहट आदरणीय ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में दिख रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि वो आपा खो चुकी हैं और जनाधार खो चुकी हैं। इसलिए इस तरह के हमले हो रहे हैं। एक बुजुर्ग माँ पर, वो तो अपने आप को दीदी कहलवाती हैं, उनको तो कुछ सोचना चाहिए, शर्म करना चाहिए। एक बुजुर्ग माँ पर जिस तरह से हमला करवाया गया है, अब वो कुछ भी कहते रहे, इन लोगों के बयान अब सब लोगों के कोई मायने नहीं रखते हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट अब पश्चिम बंगाल में अप्रासंगिक हो गए।